नमस्कार, मैं दीपक। न्यूज स्ट्रीट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है रात 10 बजे तक की मुख्य खबरें, लेकिन सबसे पहले खबरें राज्य से। हेस्टिंग्स में सांसद सुनील मंडल के वाहन का तृणमूल समर्थकों ने किया घेराव। भाजपा व तृणमूल समर्थकों में हुई धक्का मुक्की। मौके पर तैनात पुलिस ने मामला किया शांत। अमित शाह ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की। कोलकाता पुलिस के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को हिरासत में लेने के लिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में किया आवेदन। कहा, कई अहम दस्तावेज राजीव ने नहीं सौंपा। राज्य में माध्यमिक की परीक्षा 1 जून से होगी शुरू। इसकी जानकारी वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने दी। परीक्षा का समय सुबह 11:45 से 3 बजे तक होगा। 21 साल तृणमूल में बिताना काफी शर्मनाक रहा, यह कहना है भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का। उन्होंने कहा, अब तृणमूल पार्टी नहीं कंपनी जैसी बन गई है। वो शनिवार को भाजपा के हेस्टिंग कार्यालय में पहुंचे थे। সেই রাজনৈতিক দলটা তো এখন কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে। সেই রাজনৈতিক দলে না আছে কোনো শৃঙ্খলা, সেখানে কেউ অ্যাপয়েন্টমেন্টও পান না, কোনো মিটিংয়ে রেজুলেশনও লেখা হয় না। আমরা দেখেছি যে সেই কোম্পানি থেকে বেরিয়ে এসে আমরা একটা প্রকৃত রাজনৈতিক দলে সদস্যপদ পেয়েছি, তারা দিয়েছেন। আমাদের কাজ একটাই হবে, আগামী কিছুদিনের মধ্যে বিধানসভা নির্বাচন হবে, সেই নির্বাচনে দলকে জয়যুক্ত করার কাজটা আমরা করব। বঙ্গাল মে রাজনীতি মে অপরাধীকরণ বাড়া হ্যায়, यह कहना है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। उन्होंने कहा, तृणमूल शासन में गुंडे ही नेता बन गए हैं। बंगाल की जनता ने भरोसा किया, लेकिन केवल 5 साल। वो जो शक्ति, जो ताकत, जो बैलेंस, जो राक्षस कम्युनिस्ट पार्टी ने पिछले 35 साल के अपने शासन में पैदा किए, वो सारे अपनी कुर्ती का लाल रंग बदल करके नीली और सफेद कुर्ती पहन करके उनके पीछे खड़े हो गए। वो सारी की सारी शक्ति उन्होंने हथिया ली, और जितना दमन, जितना क्रूरता, जितना अत्याचार, जितना अन्याचार कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने 35 साल में किया था, उतना का उतना रिकॉर्ड जो है उससे भी ज्यादा तेज गति से काम करने का रिकॉर्ड ममता जी ने बनाया। किसान आंदोलन को लेकर तृणमूल सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने केंद्र पर बोला हमला। कहा, गणतंत्र ध्वस्त कर रही है भाजपा। एक नजर देश विदेश की खबरों की ओर। सरकार से बातचीत के न्योते की चिट्ठी पर किसानों ने शनिवार को फैसला ले लिया। किसानों ने सरकार से मीटिंग के लिए 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे का वक्त दिया है। मोदी का राहुल पर तंज, पीएम बोले, जो लोग लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं उनकी सरकार ने पुडुचेरी में पंचायत चुनाव नहीं होने दिए। रुख करते हैं जिलों की खबरों की ओर। राज्य सरकार बंगाल की जनता को केंद्र सरकार की सभी सुविधाओं से वंचित कर रही है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का। कि बंगाल को न्याय होगा। सालों तक आजादी लाने में बंगाल के महापुरुषों ने जो योगदान दिया है, उसके बाद बंगाल पीछे रह गया है। फिर से बंगाल एक सुनहरा बंगाल बने, एक विकसित बंगाल बने, उसके लिए हमारी प्रतिबद्धता रहे। मालदा के इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने मोबाइल टावर की बैटरी चुराने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। रविवार को उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। रानीगंज के बल्लभपुर अंडरग्राउंड माइनिंग कॉलेज के पास उप प्रधान सिद्धार्थ मंडल के कार्यालय में आग लग गई। शुक्रवार की देर रात लगी आग में कार्यालय में रखी 3 गाड़ियां जल के राख हो गई। भाजपा नेता का आरोप है कि उनके कार्यालय में तृणमूल समर्थकों ने आग लगाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल का मौसम। महानगर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज की गई है। कल का पंचांग। सभी विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज स्ट्रीट। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।